हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में फिर से मैं वही सारी बातें शेयर करने वाली हूँ कि अपने घर को, सिंपल से घर को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज और डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आ रहा है, रीज़न वही है, ट्रैवलिंग और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से वीडियोज़ मेरे बीच में नहीं आ पाते हैं। और दिनचर्या में आपका सबसे पहला काम यही होता है कि आप सबसे पहले अपना बेडरूम ठीक करें। मेरा भी वही पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं सबसे पहले बेडरूम ठीक करती हूँ। काफ़ी हल्का हो जाता है आपका काम अगर आपका बेडरूम ठीक हो जाता है। इसके बाद फिर मेरे को नहाने जाना होता है, तो नहाने के लिए नहाने से पहले मैं अपने कपड़े ज़रूर आयरन करती हूँ। और आयरन करने के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टीम आयरन लिया है, जो कि मैंने आप लोग से इसका शॉर्ट शेयर किया था। काफ़ी अच्छा स्टीम आयरन है। इसके पीछे ये टैंक दी हुई है, वाटर टैंक छोटी सी, जिसमें 1 से 1.5 लीटर पानी आ जाता है। और इतना पानी मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे टाइम तक आपको यूज़ में आ सकता है। इस तरीके से इसमें स्टीम आने लगती है जब प्लग आप ऑन करते हैं। और काफ़ी अच्छा स्टीम आयरन है। बस इसके लिए आपको पावर पॉइंट अच्छा चाहिए, जहाँ पे भी आपको इसे करना है आप उधर ले जाके आप आराम से इसे स्टीम कर। इसके लिए हैंग करने के लिए आपको हैंगर वैंगर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से इसके ऊपर रख के आप स्टीम कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट मेरे ख्याल से वर्थ है, आप इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं लंबे टाइम तक के लिए। तो कपड़े प्रेस हो जाने के बाद फिर मैं नहा वहा के फ्रेश होके उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करने के लिए जाती हूँ। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद तो मेरा सबसे पहला काम होता है लंच की तैयारी करना। और आज तो वैसे और भी काम है, मैंने आज एक अपना लिविंग रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करने के लिए प्लान किया है, बट उससे पहले मैं लंच बनाना पहले प्रिफर करती हूँ। स्कूल से बच्चों के आने के पहले मेरा लंच तैयार होना चाहिए। तो आज मैं फ़िश बनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फ़िश ली है और पहले उसे मैंने फ्राई किया है, उसके बाद फिर ये मसाला मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड करके पीस उसको मैंने फ्राई किया है अच्छे से ग्रेवी के लिए। और इसकी अच्छी खासी ग्रेवी बन जाती है। बहुत सिंपल तरीका है फ़िश बनाने का। मैं बहुत सिंपल और कम से कम टाइम में मैं फ़िश बना के तैयार कर देती हूँ, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी हेल्दी है बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज अपने लिविंग रूम का हल्का सा मेकओवर करने वाली हूँ। उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जैसे कि मैंने एक बुक शेल्फ लिया है। मेरे घर में काफ़ी बुक्स है, मेरे घर में काफ़ी बुक्स पढ़ने का शौक भी है, मुझे भी और मेरे बच्ची को भी, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को भी। तो मुझे एक बुक शेल्फ चाहिए था, काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी, तो ये बुक शेल्फ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसे मैं अपने लिविंग रूम में रखूँगी, क्योंकि बाकी जगह तो कहीं मैं रख नहीं सकती, जगह नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा घर काफ़ी छोटा है और कोई भी सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, या डेकोरेट करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहाँ रखूँ, क्योंकि काफ़ी छोटा है, 2 BHK का अपार्टमेंट है ये, तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रख सकती हूँ। तो ये पैकिंग अनबॉक्सिंग के बाद ये इस तरीके से दिखता है। अभी लगाने के बाद असली इसका लुक पता चलेगा आपको कि ये कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे मटेरियल, मतलब लकड़ी जो है इसकी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और प्राइस वाइज देखा जाए तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, कुछ 5,500 कुछ का पड़ा है मुझे। तो रीज़न मेरे ख्याल से प्राइस ठीक है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो टीक की लकड़ी है, टीक सागुन की लकड़ी, जो सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक होती है। तो यही सोच के एक्चुअली मैंने इसे परचेस किया, क्योंकि लकड़ी का सामान है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर हमारे जैसे लोग जो कि इधर से उधर स्टेशन, इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, तो उनके लिए ऐसी मजबूत चीज़ों ही खरीदनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अब मैं हल्का फुल्का अपने घर का थोड़ा सा चेंजेस लाऊंगी। तो पहले मैंने बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज किया है, मैंने उसमें कुछ अपनी जो बुक्स रखी हुई थी, मेरी इधर उधर रखी रहती थी, उन्हें मैंने इसमें ऑर्गेनाइज किया है। हल्का फुल्का डेकोरेशन भी किया है ताकि देखने में ये अच्छा लगे, कि लिविंग एरिया में रख रहे हैं तो इस चीज़ का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए कि उसमें छोटी मोटी चीज़ें आप ऐसा रखें जो उसका लुक और अट्रैक्ट कर दे। तो अब मैं छोटा सा, जैसा कि मैंने बोला, मेकओवर के लिए मैंने ये और कुछ शॉपिंग की है, जो कि मैंने ये मैंने कुशन कवर लिए हैं, कुछ 16x16 इंच के, कुछ मैंने ये बोहू प्रिंट के, बोहू डिज़ाइन के जो कुशन कवर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, तो इसे मैंने परचेस किया है। काफ़ी अच्छे फैब्रिक में मुझे ये रिसीव हुए हैं, ये कॉटन, प्योर कॉटन में काफ़ी अच्छा फैब्रिक लगा मुझे। और ये मैंने 2 का सेट लिया है, बुगो वाला जो है। इसके बाद मैंने ये वेलवेट के कुशंस कवर लिए हैं, ये मैंने अमेजोन से लिए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे फैब्रिक के ये मुझे रिसीव हुए हैं। ये मैंने 5 सीटर के सीट के हिसाब से ही मैंने लिया है, ये भी 16x16 का है। और इसके बाद मैंने लिए हैं ये बड़े वाले कुशंस कवर। जी हाँ, मैंने बड़े वाले कुशंस अपने लिविंग रूम में ऐड किए हैं, कुशंस ऐड किए हैं। उसके लिए मैंने ये
कुशन्स कवर लिए हैं और मुझे ब्राइट कलर काफ़ी पसंद है जैसे कि मैंने बताया हमेशा आपको, तो उसके लिए मैंने ये 24x24y का मैंने ये कुशन कवर लिया है। इसके बाद मैंने ये सोफ़ा थ्रो लिया है जिसमें कि सीक्वेंस वर्क है जो कि इसे और अट्रैक्टिव बनाता है। ये मैंने अपने रिक्लाइनर के लिए लिया है। इसके बाद मैंने ये कुशन्स लिए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने कुशन्स कवर जो लिए हैं वो इसी कुशन्स के लिए लिए हैं। ये 24x24 इंच का कुशन है जो कि काफ़ी अच्छा लुक कर देगा मेरे सिंपल से सोफे को। अगर आप अपने सिंपल से सोफे को एक अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर आप अपने सोफे को डेकोरेट करते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो एक आपका सस्ता सोफ़ा भी काफ़ी अच्छा और एक्सपेंसिव सोफ़ा दिखेगा। सोफ़ा तो मैं फर्नीचर में नहीं ले सकती अभी क्योंकि हमें फर्नीचर ऑलरेडी क्वार्टर में मिलते हैं, तो इसलिए फर्नीचर पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी ज़रूरत है वही चीज़ें परचेस करते हैं। तो अभी इस तरीके से मैंने सारे कुशन्स कवर लगा दिए हैं सभी कुशन्स में। ये दीवार मेरी काफ़ी टाइम से खाली पड़ी थी तो इस पर मैं ये वॉल आर्ट मेरे को मुझे गिफ्ट में मिला है। एक्चुअली अभी कुछ दिन के लिए मैं बाहर गई थी, दिल्ली गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को ये किसी ने गिफ्ट किया है खुद अपने हाथ से बना के, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। मेरे को काफ़ी पसंद आया ये और इसलिए मैंने इसे लिविंग एरिया में अपने डेकोरेट किया। नीचे इसके जस्ट बॉक्स है तो उसको मैंने एक सोफ़ा थ्रो से ही उसकी हेल्प से मैंने इसे कवर किया है। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेस किया है सोफ़ा थ्रो, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह के सोफ़ा थ्रो जो आप अगर ब्राइट कलर के जो यूज़ करते हैं लिविंग एरिया में, तो आपके लिविंग एरिया का लुक काफ़ी अच्छा कर देता है। तो इस तरीके से मेरे लिविंग एरिया का हल्का सा मेकओवर हुआ है जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, क्योंकि मुझे मेरा सोफ़ा है वो काफ़ी सिंपल लगता है, तो उसे एक्चुअली मेन मुझे डेकोरेट करना था, अच्छा करना था। तो आप देख सकते हैं मैंने जब कुशन्स लगा दिए हैं अच्छे बड़े वाले, तो उससे वजह से मेरे सोफ़े पर कितना फ़र्क आ गया है। और इस तरीके से मेरा घर पूरा लिविंग एरिया बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा लिविंग एरिया है, तो मैंने उसे इस तरीके से डेकोरेट किया है कि जगह भी मिले बैठने के लिए और आपका एक डेकोरेशन भी पूरा हो जाए। और बुकशेल्फ भी लग गई है, तो बुक्स भी अगर आपको पढ़नी है तो आप जस्ट उधर बैठ के आराम से बुक्स भी रीड कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने लिविंग एरिया में रखा है कि आसपास सिटिंग एरिया भी आपका अच्छा हो। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर को कहीं भी ऑर्गेनाइज करते हैं या सेटअप करते हैं अपने घर का, तो मेरे ख्याल से आगे आपके लिए काफ़ी इजी रहता है उसे उपयोग में लाना। तो बुकशेल्फ भी मैंने इसी तरीके से सेटअप किया है कि मैं, मेरे बच्चे या मैं कभी भी मुझे बुक रीड करनी है तो ईजिली मैं उसे वहाँ पे बैठ के आराम से रीड कर सकूँ। बच्चों के स्कूल से घर आने से पहले मैं इस जो भी काम होते हैं मैं पूरा निपटाने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कुकिंग से हो रिलेटेड हो, चाहे वो घर को सेटअप करने से रिलेटेड हो, या वीडियो या चैनल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं मैं उन्हें ख़त्म कर देती हूँ, ताकि जब भी वो घर आए तो उनका मेरा पूरा फोकस उनके पढ़ाई पर हो या उनके ऊपर हो। खाना पीना उनको टाइम से चाहिए, उनको उनकी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए, और इसी वजह से मेरे वीडियोस भी बीच में नहीं आते हैं क्योंकि पूरा ध्यान पहले मेरा उन पे रहता है। तो लंच मेरा होने के बाद फिर मेरा काम, सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने लंच जो फिश बनाई थी उसे मैंने कास्ट आयरन में बनाया था, कास्ट आयरन के तवे पे, तो उसे पहले साफ करना। उसकी सीजनिंग बहुत ज़रूरी होती है, आप उसे साफ करके रखने से पहले उसकी सीजनिंग जरूर करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इस तरीके से मेरा पूरा काम हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।